दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आज विज्ञान ने जितनी भी तरक्की की है उसमें सैकड़ों वैज्ञानिकों की समूची जिंदगी लग गई। कुछ वैज्ञानिक तो मरते दम तक अपनी लैब से बाहर भी नहीं आ पाए, सिर्फ इसलिए ताकि वो दुनिया को कुछ ऐसी चीज दे सके जिससे उनका विकास हो सके और दुनिया में रहने वालों का जीवन बेहतर होने के साथ साथ आसान भी हो सके। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने कुछ अलग करने और खुद को साबित करने के चलते कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी कर डाले जिनके बारे में सुनकर ही खोप आ जाए। क्योंकि अमूमन जहां किसी नए प्रयोग को अंजाम देने के लिए जानवर का इस्तेमाल होता है, वहाँ इन सनकी वैज्ञानिकों ने क्रूरता की सारी हदें ही पार कर दी और जिंदा इंसानों पर ही प्रयोग कर डाले। तो आइए आपको भी मिलवाते हैं उन अति महान वैज्ञानिकों से जिन्हें देखकर शायद आप भी यही कहें कि अलग करने के चक्कर में इन लोगों ने गलत जरूर कर दिया। हेनिंग ब्रांड। आपने ये तो सुना ही होगा कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और ये कहावत क्यों कही गई इस साइंटिस्ट का पागलपन जानकर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हेनिंग ब्रांड एक जर्मन साइंटिस्ट जिन्हें ये लगा कि पेशाब यानी कि यूरिन में सोना छिपा होता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यूरिन का रंग और सोने का रंग एक दूसरे से मिलता है। अब क्योंकि हेनिंग एक अल्केमिस्ट थे तो इन्हें केमिकल बनाना और उन्हें एक दूसरे के साथ मिक्स कर नए नए एक्सपेरिमेंट करना अच्छे से आता था, और वर्षों तक जब हेनिंग इसी तरह केमिकल मिलाते रहे तो साल 1669 में हेनिंग को ऐसा लगा कि अगर वो केमिकल में यूरिन मिक्स कर दे तो इसकी मदद से वो लैब में भी सोना तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें एक या दो लीटर नहीं बल्कि हजारों लीटर मूत्र की आवश्यकता थी। अब क्योंकि हेनिंग इस आविष्कार को छुपकर कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी केवल अपनी पत्नी और एक करीबी दोस्त को दी और उनके साथ मिलकर करीब 5700 लीटर यूरिन का बंदोबस्त कर लिया। अब अगर आप भी सोच में पड़ गए हैं कि हेनिंग और उसके साथियों ने इतना यूरिन कैसे इकट्ठा किया होगा, तो जरा ये सोचिए कि इस महान वैज्ञानिक ने 5700 लीटर वाले इस मिश्रण को कितने बड़े बर्तन में भरा होगा, और फिर जब मिश्रण को उबाला होगा तो वो दृश्य कितना भयानक रहा होगा। ऊपर से हेनिंग ने तो इस मिश्रण को तब तक जलाया था जब तक इसमें मौजूद पानी भाप बनकर पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया, जिसके बाद इसमें केवल पाउडर बचा जो चमक रहा था। और बस उसी क्षण हेनिंग को ऐसा लगा मानो उन्होंने वो चीज बना डाली है जिसकी मदद से वो जब चाहे लैब में सोना तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो केवल चमकदार ही नहीं था बल्कि उबलते हुए पानी में ये पदार्थ सोने की तरह ग्लो भी कर रहा था। लेकिन उनकी ये गलतफहमी तब दूर हुई जब करीब 6 वर्षों तक अपने इस कारनामे को छुपाए रखने के बाद हेनिंग इसे दुनिया के सामने लाई और अपने पदार्थ के माध्यम से लैब में सोना बनाने का दावा किया। लेकिन उनकी वर्षों की मेहनत पर तब पानी फिर गया जब हेनिंग को पता चला कि वो चमकदार चीज सोना नहीं बल्कि मूत्र में पाया जाने वाला केमिकल फास्फोरस था। जैक पार्सन्स, वो वैज्ञानिक जिसे सनकी नंबर 2 भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने अनोखे हेनिंग थे उससे कहीं ज्यादा सनक जैक पार्सन्स के अंदर भरी हुई थी। और वो इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति उस समय रॉकेट बनाने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा था जब लोग रॉकेट के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जी हाँ, आज तो ये सभी जानते हैं कि एक रॉकेट किस तरह से स्पेस में जाता है, और ऐसा करने में लिक्विड हाइड्रोजन जैसे अति ज्वलनशील ईंधन का इस्तेमाल होता है, जिसका इस्तेमाल तो दूर की बात आज भी इसे संभाल पाना सबके बस का नहीं होता। तो सोचिए, जैक पार्सन्स वो वैज्ञानिक थे जो उस समय भी इस तरह के ईंधन से प्रयोग किया करते थे। हालांकि जैक अकेले ही इस कारनामे को अंजाम नहीं देते थे, बल्कि जैक की तरह 4 अन्य साथी भी थे जिन्हें इस तरह की सनक थी, और जैक की तरह उन्हें भी ऊंची और तेज उड़ान भरने का शौक था। ये सभी लोग अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में ऐसे जानलेवा एक्सपेरिमेंट करते थे, और इसके लिए ये लोग इतने मशहूर भी हो गए कि लोग इन्हें द सुसाइड स्क्वाड भी कहने लगे। फिर इनकी जिंदगी में 17 जून साल 1952 का वो दिन आया जब खतरों से खेलते खेलते अचानक एक धमाका हुआ और जैक समेत सभी लोग उसमें मारे गए। इस घटना ने समूचे अमेरिका को हिलाकर रख दिया, क्योंकि भले ही सब इन्हें सनकी समझते थे लेकिन अपने देश के द सुसाइड स्क्वाड से सभी लोगों को बहुत उम्मीदें भी थी कि एक न एक दिन जैक और उसके साथी अंतरिक्ष में जाने का कोई समाधान जरूर ढूंढ लेंगे। अब क्योंकि ये सभी लोगों की उम्मीद थे, इसलिए जैक और उनके साथियों का अचानक से यूं चले जाना लोगों को रहस्यमय लगा। किसी को एक हादसा लगा तो किसी को सुसाइड, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि जैक पार्सन्स का मर्डर हुआ है, और मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका दुश्मन है जो ये नहीं चाहता था कि जैक पार्सन्स एक सफल रॉकेट बनाने में कामयाब हो। लेकिन जब इसकी जाँच हुई तो सब कुछ साफ हो गया और वो वजह भी सामने आ गई कि आखिर जैक को किसने मारा। जैक की मौत के पीछे कोई हत्यारा नहीं बल्कि खुद जैक की ही सनक थी, जिन्होंने उस दिन फाल्मनेट ऑफ मर्क्यूरी का एक्सपेरिमेंट किया था, और वो भी कुछ इस तरह से कि एक विशालकाय कंटेनर जिसमें भारी मात्रा में मर्क्यूरी के पदार्थ मौजूद थे, उस कंटेनर को जैक ने ऊंचाई से फेंक दिया जिसमें ऐसा धमाका हुआ कि आसपास की हर चीज इसकी चपेट में आ गई और धमाके की भेंट चढ़ गई, खुद जैक पार्सन्स की जिंदगी भी। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अक्सर देखा गया है कि हर क्लास में कोई ना कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो सबसे अलग दिखता है। उसका सोचना, बोलना, पढ़ने का तरीका सब कुछ अलग होता है, और इनके बारे में टीचर्स भी यही कहते हैं कि ये बड़ा होकर कुछ अलग जरूर करेगा। ऐसा ही एक बच्चा था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो बचपन में इतना अलग था कि वो बड़ा होकर भौतिक वैज्ञानिक बना और इतना कुछ अलग कर दिखाया कि वो दुनिया को एटम बॉम्ब देकर ही चला गया। जरा एक पल को सोचिए कि ये वही सनकी वैज्ञानिक है जो अगर इस दुनिया में ना आया होता तो दुनिया को हिलाकर रख देने वाली चीज भी इस दुनिया में ना बनी होती।
वही एटम बॉम्ब जिसकी वजह से जापान का हिरोशिमा और नागासाकी शहर हमेशा के लिए अपंग हो गया। क्योंकि जब 6 अगस्त साल 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जिस परमाणु बम को गिराया था उसे ओपनहाइमर ने ही तैयार किया था। एक ऐसा बॉम्ब जिसके धमाके से लाखों लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा लोग घायल हुए। फिर जापान के नागासाकी पर भी एक परमाणु हमला किया गया और उसे भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद ओपनहाइमर ने ही अपने हाथों से तैयार किया था। और इस तरह मात्र 2 हमलों के दम पर अमेरिका ने जंग जीत ली और जापान के साथ साथ जर्मनी को भी घुटने के बल ला दिया। लेकिन इससे जो तबाही हुई और मानवता को इतना नुकसान झेलना पड़ा उसकी भरपाई तो आज तक भी नहीं हो पाई है। इसने लोगों को कैसा दर्द दिया था ये हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी दिखाई देता है। और शायद इसे देखने के बाद खुद ओपनहाइमर को भी अगर दूसरा मौका मिले तो शायद वो भी अपनी इस करतूत को बदलना ही चाहेंगे। हालांकि एक सच ये भी है जो अमेरिका में काफी मशहूर है कि ये सनकी वैज्ञानिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। एटम बॉम्ब का फॉर्मूला डिवेलप करने के बाद भी ओपनहाइमर किसी से भी उसको साझा नहीं करना चाहते थे। लेकिन अमेरिकी सरकार ने ओपनहाइमर पर दबाव बनाया और उनके सामने देशभक्ति का ऐसा स्वांग रचा कि वो मजबूर हो गई और मात्र 20 दिनों के अंदर ही इसे तैयार कर पहले तो अमेरिका के ट्रिनिटी में इसका सफल परीक्षण किया और फिर इसका स्वाद जापान को भी चखा दिया। निकोला टेस्ला। दोस्तों, आज जिस आधुनिक दौर में हम जी रहे हैं और जिन भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर वो जिनमें बिजली का इस्तेमाल होता है, ये सभी वस्तुएं आज दुनिया में होती ही नहीं अगर निकोला टेस्ला पैदा ना होते। और आधुनिकता के इस दौर की शुरुआत हुई 10 जुलाई साल 1856 के दिन, जब महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला इस दुनिया में आई थी। ये बच्चा अपने बचपन से ही कितना बुद्धिमान रहा होगा इसका अंदाजा केवल इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मात्र 24 साल की उम्र में निकोला को उस समय के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने अपना चेला बनाया था और निकोला एडिसन की कंपनी में नौकरी भी करने लगे थे। एडिसन को लगा कि निकोला उनके काम के आदमी है, लेकिन एडिसन ये नहीं जानते थे कि उन्होंने अपनी कंपनी में एक ऐसे व्यक्ति को जगह दे दी है जो बुद्धिमत्ता में उनसे भी 4 हाथ आगे है। और इसका सबूत निकोला ने कुछ इस तरह दिया कि एडिसन द्वारा डिजाइन की गई मोटर्स को निकोला ने बदल दिया, साथ ही साथ उन्हें एडिसन के डिजाइन से भी ज्यादा बेहतर बना दिया, जिसके बाद निकोला टेस्ला द्वारा डिजाइन की गई मोटर्स और जनरेटर्स काफी ज्यादा चर्चा बटोरने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों वैज्ञानिकों के बीच एक दरार आ गई और आखिरकार निकोला को एडिसन से अलग होना पड़ा। अब क्योंकि निकोला को हमेशा बदलाव लाना पसंद था तो इस बार निकोला जॉर्ज वेस्टिंग हाउस से जा मिले और उनकी कंपनी के लिए अल्टरनेटिंग करंट पर काम करने लगे। वो करंट जिसका आविष्कार तो उस समय तक हो चुका था, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना है ये कोई भी नहीं जानता था। लेकिन निकोला ने दिन रात एक करके इसे जॉर्ज वेस्टिंग हाउस के लिए सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी बना दिया, जिसे जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने बखूबी इस्तेमाल भी किया और धीरे धीरे एसी करंट मशहूर होने लगा। इधर अपने लिए एक नया कॉम्पिटिशन खड़ा होते देख एडिसन ने यह अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि एसी करंट जानलेवा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ना किया जाए। और फिर वही हुआ जिसका इंतजार अब तक आप सभी को था। निकोला ने आखिरकार अपने सनकी होने का भी परिचय दे दिया जब इस वैज्ञानिक ने खुद अपने ही शरीर से एसी करंट को दौड़ा दिया और 2 बल्ब को अपने दोनों हाथों में लेकर उन्हें जलाकर दिखाया, केवल ये साबित करने के लिए कि एसी करंट एडिसन के डीसी करंट के मुकाबले कहीं ज्यादा असरदार है और जानलेवा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।